इच्छा, ये धागा, ये एक सुरक्षा कवच है। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को बांधा जाता है, उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए। हाँ तो मैं ये तुम्हारे हाथों पर बांधना चाहता हूँ। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि ये धागा दुल्हन के हाथ पर बांधते हैं, तो फिर मेरे हाथ पर क्यों? इच्छा, क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। और अगर वाकई में ये सुरक्षा कवच है तो ये हर रिश्ते की रक्षा करेगा। बांधू मैं? इच्छा, जितना बबल के लिए उसकी होने वाली दुल्हन खास है ना, उतनी उसकी दोस्त भी खास है। इसीलिए वो तुझे ये धागा बांधना चाहता है। छोरा, बांध दे। लाओ, अपना हाथ आगे करो। छोरी, बंधवा ले। चलो भाई, संगीत तो बहुत बढ़िया हो गया, अब शादी की तैयारी करते हैं। आ जाओ, आ जाओ, चलो 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 धागा बांधने में आपने बहुत देर कर दी बब्बल जी। दोस्ती के नाम से ये धागा बांधा, लेकिन दोस्ती खत्म होने के बाद अब मैं आपसे प्यार करती हूँ, और उस प्यार को तो पहले ही किसी की नजर लग चुकी है। अब ये धागा किसी काम का नहीं है, इसका टूट जाना ही अच्छा है। ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा, ये धागा मैंने इतने प्यार से बांधा, तुम इसे तोड़ रही हो? अच्छा, कम से कम मेरी शादी तक तो रुक जाती, वरना देखो मेरी शादी में कुछ अपशगुन हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो मेरी इस धागे का आपकी शादी से क्या लेना देना? इसके टूटने से ऐसा कौन सा अपशगुन होने वाला वो है? मैं नहीं जानता। अच्छा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, और शादी की हर रस्म में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये धागा कोई मामूली धागा नहीं है। अच्छा, ये धागा तुम्हारे और मेरे रिश्ते की पहचान है, और जब तक ये धागा तुम्हारी कलाई पे बंधा है ना, मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, तुम हमेशा मुझे अपने आसपास महसूस करती रहोगी। और हाँ, थैंक यू सो मच इच्छा, आज तुमने संगीत में 4 चांद लगा दिए, तुमने मेरे संगीत को यादगार बना दिया यार। बस इसी तरह तुम्हें मेरे हर रस्म में शामिल होना है, ठीक है? अब मैं चलता हूं, बाकी की तैयारियां भी कर। बबल जी,
पूछना था आपसे। कल तक तो आप कह रहे थे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर आज अचानक आप किसी और से कैसे शादी कर रहे हैं? क्या अब आपके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं रहा? नहीं इच्छा, वो इच्छा मैंने कितनी बार तुमसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी हाँ नहीं की। इच्छा मैं कब तक इस तरह जबरदस्ती तुम पर अपना प्यार थोपता रहता? मुझे लगा अब शायद आगे बढ़ जाना चाहिए, हम प्रेमी नहीं बन पाए, पति पत्नी नहीं बन पाए, लेकिन हम दोस्त तो हैं और हमेशा रहेंगे। और मेरे लिए हमारी ये दोस्ती उससे भी ज्यादा मायने रखती है। अगर मैं आपसे कहती कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ तो क्या आप मुझसे शादी कर लेते? इच्छा मैं भी वही चाहता था, लेकिन शायद मैं भी वही चाहती थी, हमेशा चाहती थी, बल्कि मैं आपसे कहने भी आई थी लेकिन कह नहीं पाई। थोड़ी देर हो गई बब्बर जी, तब तक आपकी शादी तय हो चुकी थी। हाँ बब्बल जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, उतना ही जितना आप मुझसे करते हैं, बस मैं आज तक कह नहीं पाई। आप भी मेरा पहला और आखिरी प्यार है। शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकती। आप ये शादी नहीं रोक सकते क्या? अच्छा मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं अपने दिल में क्या महसूस कर रहा हूँ। इच्छा मैं कैसे रोक दूँ शादी को, मैं क्या जवाब दूँ उस लड़की को? इच्छा तुम क्या चाहती हो, जो आज तक तुम मेरे साथ करती आ रही हो मैं वो सब चाहत के साथ कर दूँ? नहीं इच्छा, ये हाँ और ना का खेल मुझसे नहीं होगा, प्लीज तुम बस इतना समझ लो कि अगर ये शादी रुक गई तुम्हारे बब्बल जी की जिंदगी रुक जाएगी। प्लीज सॉरी इच्छा। रुकिए बब्बल जी। अब क्या है इच्छा? आप ऐसे नहीं जा सकते बब्बल जी, मुझे उस लड़की से मिलना है। मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी हूर परी आ गई है जो आप सब कुछ भूलकर उसके पीछे बावले हुए जा रहे हैं। मिलवाइए मुझे उससे। अच्छा इस वक्त कैसे? ठीक है, मिलवा नहीं सकते तो फोटो दिखा दीजिए, वो तो होगी ना। हाँ लेकिन बब्बल जी, अब दिखा रहे हैं मैं। अच्छा ठीक है दिखाता हूँ, रुक जाओ। हाँ ये ठीक रहेगी।
अरे अरे देखो नजर मत लगाना। ये चाहत है बब्बल जी, आप इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हैं? इस लड़की के लिए मना कर रहे हैं? इस लड़की से शादी कर रहे हैं आप? एक मिनट, ये जो तुम बार बार इस लड़की कर रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन बब्बल जी, आपने तो कहा था कि उसकी आंखें मेरी जैसी है, उसके कान, गाल, नाक, कदकाठी सब मेरे जैसे हैं, वो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, लेकिन ये तो क्यों नहीं दिखती है? देखा? हाँ सही कह रही हो तुम, ये बिल्कुल तुम जैसी नहीं है, है ना? तुमसे ज्यादा खूबसूरत है ये। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम दिल से नहीं देख रही ना, मेरी आंखों से देखो। और देखो इच्छा, जो है मान लो ना, अब जलने से कोई फायदा नहीं है, चाहत बाजी मार चुकी है। क्या बात है भाई सबल, बड़ा दिल लगा के कसरत कर रहा है तू। फिट बनना है भाई। अरे तू कोई पिक्चर थोड़ी ना है जो तुझे हिट बनना है। अरे तू तो इंसान है भाई, हिट नहीं, मैं कह रहा हूँ फिट बनना है, फिट डोले शोले बनाने हैं मुझे। अभी कुछ दिन पहले अप्पू मुझे बता रहा था कि आजकल की जो लड़कियां हैं ना, उन्हें डोले शोले वाले लड़के पसंद आते हैं। अब बब्बल की शादी है, इतनी सारी लड़की आएंगी, मेरे डोले शोले देख के हो सकता है उनमें से कोई मुझे पसंद कर लेना। अरे हाँ पसंद तो कर लेगी, लेकिन पसंद करने के बाद तेरे साथ जो होगा ना, क्या होगा? अरे हमारा पहलवान निडर आजाद सबल गुलाम बन जाएगा। मतलब? अरे मतलब ना समझा, चल तुझे विस्तार से समझाता हूँ। देख, तू जिसे पसंद करेगा जाहिर है कि उससे शादी करेगा। करूंगा? हाँ तो बस वहीं से तेरी गुलामी शुरू, तेरे जीवन में शांति खत्म और झगड़े शुरू। झगड़े? वो क्यों भाई? अरे शादी के बाद झगड़े की कोई वजह थोड़ी ना हुआ है, बेवजह झगड़े हुए हैं। हैं? पत्नी शुरू करती है और दोष पति पे थोप देती है। क्या बात कर रहे हो? अरे 100% सही कह रहा हूँ छोटे, औरतें जैसा सोचती है ना, आदमी वैसा सोच भी ना सकता। ये सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। इनकी बातों का सीधा सीधा मतलब निकालने जाएगा ना तो वहीं फंस जाएगा, क्योंकि इनकी बातों का मतलब अक्सर वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, बल्कि उसके उल्टा ही होता है। भाई कुछ नहीं समझा, फिर से समझाओ। नहीं समझा? ठीक है चल तुझे एक नमूना दिखाता हूँ। थोड़ी देर के लिए तू सोच ले कि तू मेरा पति है और मैं तेरी पत्नी रूपमती है, और तुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। बता क्या करेगा? रूपमति, मैं अपने दोस्त मंदीप से मिलने जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ जाइए, पूरी रात दरवाजा खटखटाते रहना, दरवाजा ना खुलेगा। क्यों? अरे वही तो, पति को कहीं भी जाना हो ना, पत्नी को बता कर नहीं पूछ कर जाना पड़ता है, समझा? अरे ये क्या बात हुई, दोस्त मेरा मिलने मुझे जाना, मैं क्यों पूछूं अपनी पत्नी से? अरे दोस्त किसी का भी हो, लेकिन पत्नी से पूछना अनिवार्य है, समझा? चल अब पूछ, बता मत। रूपमती, मुझे ना अपने दोस्त मनदीप से मिलने जाना है, मैं जाऊं? हाँ हाँ जाइए, और 2 दिन तक दरवाजा नहीं खुलेगा, बाहर बैठे रहना। कान के नीचे थप्पड़ मारूंगा रूपमती, ये क्या बात हुई, पहले बोलती हाँ बोले दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे तू समझा नहीं छोटे, औरत जब पहली बारी में किसी भी चीज के लिए हाँ बोले तो उसका मतलब ना होता है। मतलब जब वो हाँ बोलेगी तो ना है, तो हाँ कब होगा? अरे कम से कम 3 बार पूछना पड़े, अगर 3री बार भी उसका जवाब हाँ हुआ तो पक्का हाँ है। भाई इस हाँ ना के चक्कर में मेरी तो बैंड बज जाएगी ना, एक तो वैसे मुझे कुछ याद नहीं रहता, ऊपर से कब हाँ बोला कब ना बोला, मैं कैसे याद रखूंगा? अरे तू फिक्र ना कर छोटे, शादी के बाद सब कुछ अपने आप याद रहेगा। लगता है नहीं मुझे, कर ले। क्या नंबर था? 320 हाँ 21 मार्क। दादी आपने मुझे बुलाया? हाँ छोरा बैठ, ये देख
सगाई की अंगूठियां, एक तेरे लिए और एक इच्छा के लिए। अरे वाह दादी, आपने दुनिया के बेस्ट कपल के लिए बेस्ट डिजाइन की अंगूठी चुनी है। वो तो है, लेकिन छोरा इच्छा को ये सगाई की अंगूठी तो पहनाएगा कैसे? उसे तो बताना नहीं है कि उसकी सगाई तेरे साथ हो रही है। हाँ दादी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरप्राइज खुल जाएगा ना छोरा, इन हालातों में सगाई होगी कैसे? अरे दादी, सगाई होगी, जरूर होगी। इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। पता नहीं किस्मत तेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। जब तेरा प्यार तेरे सामने था तब तू उसे अपना नहीं सकती थी, और जब तू उसे अपनाना चाहती है तो वो किसी और का हो रहा है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। अभी बबल जी की शादी हुई भी नहीं है तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। कल जब उनकी शादी होगी, कोई दूसरी लड़की उनकी बीवी बनकर इस घर में आएगी, मेरी आंखों के सामने रहेगी, तब तो मैं नहीं देख पाऊंगी माँ, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। और इसीलिए मैंने फैसला लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अच्छा, तू जिस बातों में आकर ये सब कह रही है। नहीं माँ, मुझे वाकई इस घर में नहीं रहना, मैं नागिस्तान वापस आना चाहती हूँ। और तेरा अभियान? वो मैं पूरा करके आऊंगी माँ। आप मंदिर वाले पंडित जी से कह दीजिए कि मेरे रहने का इंतजाम कहीं और कर दे। माँ, तुझे कुछ दिखाना है क्या? ये देख, बब्बल जी की सगाई की अंगूठी, अच्छी है ना? पसंद आई? मुझे पसंद आने ना आने से क्या होगा दीदी, जिसके लिए बनाई गई है उसे पसंद आ जाए काफी है। वही तो कह रही हूँ मैं। मतलब? मेरे कहने का मतलब है अब तू ये अंगूठी अपने पास संभाल कर रख। मैं कैसे? आप दादी से कहिए ना, वो इसे संभाल कर रख देंगी। उन्हीं को तो दी थी, लेकिन उनकी तिजोरी का ताला टूट गया है। बच्चे मैं और माँ जी, हमारे ऊपर पहले इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अब नए काम हमसे तो नहीं होंगे। ये लो अंगूठियां संभाल कर रखना, पकड़। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.